लिवर खराब होने के संकेत। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर संस्कृति, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारा लिवर अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिवर कुछ 500 प्लस एक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब लिवर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, वेदर इट इज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ या फिर एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज़। हर एक फंक्शन में लिवर का अपना रोल है, लेकिन कौन से वो ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें शो करती है जब हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई अनयूजुअल सिम्टम आता है, मतलब नेचुरली जब हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है और एबनॉर्मल रिएक्शंस देती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, सूजन हो जाना, आंखों के नीचे सूजन आना, चक्कर आना या फिर भूख ना लगना। ये कुछ ऐसे बेसिक कॉमन सिम्टम्स हैं जो जनरली हमें हर डिसऑर्डर में, हर डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ हमारे लीवर की फंक्शनिंग में दिक्कत है, तो हमारी बॉडी कौन से सिम्टम्स देती है, ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने लाइफस्टाइल में कौन से ऐसे चेंजेस करने हैं और कैसे आप अपने लीवर को जल्दी से जल्दी हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वेलिंग यानी सूजन, बहुत बार लीवर के पेशेंट से कंप्लेन करते हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इतना दर्द रहता है कि अगर वो पेट को टच भी करते हैं तो भी एक डीप सेंसेशन उन्हें महसूस होती है दर्द की। तो जो भी पेशेंट्स इस दर्द से परेशान हैं लेकिन उन्होंने कभी कोई टेस्ट नहीं कराया है, कभी उनका कोई भी लीवर डिजीज़ डायग्नोस नहीं हुआ है और आप सिर्फ उस दर्द को बर्दाश्त करें, तो कृपया ये ना करें एंड गो फॉर डॉक्टर कंसल्टेशन, गो फॉर टेस्ट रिपोर्ट्स। क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी जो भी सिम्टम्स होते हैं, हमारी बॉडी जो हमें सिम्टम्स दे रही होती है, हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पेट में सूजन होना या पेट में दर्द होना, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है लीवर डिजीज़ का, और जनरली शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि लीवर हम सभी को पता है कहाँ पे सिचुएटेड है, और पेट में दर्द इसी कारण की वजह से होता है कि आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर आपके लीवर का साइज़ भी बढ़ गया है। तो आपके पेट में जब भी दर्द है और दर्द बना हुआ है, एक कंसिस्टेंट दर्द आपके पेट में है ही, चाहे आप आराम कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप खाना भी खा रहे हैं, बोलते टाइम भी, सांस लेते टाइम भी अगर आपके पेट में दर्द है, तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। सेकेंड, अगर हम बात करें, दैट इज़ लेग स्वेलिंग, मतलब पैरों में सूजन आ जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पेट में तो सूजन है, पेट में दर्द ही है, उसके साथ साथ आपके पैरों में भी सूजन है। तो जब आपको ये दिखे कि पेट के दर्द के साथ साथ पैरों में भी सूजन लगातार बनी हुई है, तो ये भी एक लीवर का सिम्टम है, मतलब लीवर की फंक्शनिंग ढंग से नहीं हो पा रही है और बॉडी में पानी भरना शुरू हो रहा है, आपके जॉइंट्स में पानी भरना शुरू हो रहा है, आपके लेग्स में पानी भरना शुरू हो रहा है। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, स्पेशली आपको डॉक्टर से बात करनी है, उनको अपने हिस्ट्री समझानी है और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। क्योंकि ये सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमें हर सिचुएशन में देखने को मिलते हैं, हर डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। तो बेटर है आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपके प्रॉपर टेस्ट होंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस होगी, उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि आखिर दिक्कत है क्यों। साथ ही साथ अगर हम और सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है जॉन्डिस, मतलब पीलिया। ज़्यादातर लीवर पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उनकी स्किन येलोइश होना शुरू हो जाती है, येलोइश पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है, आईज जनरली येलो होना शुरू हो जाती हैं और नेल्स भी येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको भी जॉन्डिस है, अगर आपको भी पीलिया की शिकायत हो रही है, तो यानी आपके लीवर की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आ रही है। तो आप डॉक्टर्स को ये चीज़ें बताएं, डॉक्टर्स के पास तुरंत जाएं ताकि प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट ना हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लीवर आसानी से कोई भी लक्षण नहीं दिखाता है। जब हमारा लीवर 70-80% डैमेज हो चुका होता है, उसके बाद जाके हमें कोई सिम्टम देखने को मिलता है। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ अब जाके कुछ ऐसे अबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं या फिर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, तो प्लीज़ वेट ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर अपना LFT टेस्ट तो ज़रूर ही करा लें। साथ ही साथ अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी आप करा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके शरीर में क्या दिक्कत हो रही है। और सिम्टम्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ भूख ना लगना, पेट हमेशा भरा भरा रहना। बहुत बार लीवर पेशेंट से कंप्लेन करते हैं कि हमारा खाने का तो मन करता है लेकिन जब भी हम एक बाइट लेते हैं, दो बाइट लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि टमी पूरा फुल हो चुका है।
तो ये जो फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस है ये हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको भी ऐसा हो रहा है कि आपका बहुत खाने का मन कर रहा है लेकिन आप खा नहीं पा रहे हैं, भूख तो है लेकिन पेट अलाउ नहीं कर रहा है कोई भी डाइजेशन होना, कोई भी खाने का निवाला अंदर जाना, तो अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो आपको ज़रूर लीवर में कोई परेशानी हो रही है। साथ ही साथ आँखों के नीचे सूजन आना, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको दिखता होगा कि आप थके हुए उठ रहे हैं, आपकी मॉर्निंग एकदम हेल्दी नहीं है, एकदम फ्रेश नहीं है, आपको थकावट हो रही है, जब भी सुबह उठते हैं तो पेट में दर्द भी होता है, वॉमिटिंग आने जैसा होता है, साथ में चक्कर भी आते हैं, बहुत बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, और साथ ही साथ आँखों के नीचे सूजन भी देखने को मिलती है, और कितनी बार तो चेहरा भी बहुत ज़्यादा सूजा हुआ मिलता है। तो जब आपकी बॉडी आपको इतने सारे ट्रिगर पॉइंट्स दे रही होती है, इतने सारे सिम्टम्स दे रही होती है, तो आप क्यों नेग्लेक्ट करते हो? आप जल्दी से जल्दी अपने टेस्ट कराओ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, ताकि प्रॉब्लम बढ़े ना। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि लीवर बहुत बाद में जाके सिम्टम्स शो करता है, अर्ली स्टेजेस में आपको नहीं पता चलता। जब आपका लीवर 80% डैमेज हो चुका है उसके बाद वो अपना पहला लक्षण दिखाएगा। तो अगर आप इनिशियली टेस्ट कराना शुरू कर देते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है, या फिर नॉर्मल रूटीन बॉडी चेकअप भी आप अगर कराते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं कराते हैं तो प्लीज़ हर 6 महीने में, हर 1 साल में आप टेस्ट कराएं, ताकि बॉडी में जो भी कमी है या बॉडी में कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, वो सब आपको पता चले टाइम से और कोई दिक्कत बढ़े ना। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं आप सभी को समझ आई होंगी। अगर आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसे रिलेटिव सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर अननेसेसरी हेडेक हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग जैसी अगर सिचुएशन है आपके साथ भी, तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनको अपने सारे सिम्टम्स बताएंगे, एज वेल एज आप अपने ब्लड टेस्ट भी कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे, साथ ही साथ लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो में कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, या फिर कुछ ऐसे अबनॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।